लेट्स स्टार्ट। स्टडी दी स्टडीड अबाउट सम कॉन्सेप्ट और बेसिक ऑफ मूल, है ना। देखो ध्यान से देखना, आज काफ़ी सारे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम इसके। ध्यान रखिएगा, ये मूल जो होते हैं, अगर कोई पूछ ले मूल है क्या, तो ध्यान रखना 12 ग्राम कार्बन को लिया गया। कौन से वाले को? कार्बन 12 वाले को लिया गया। और इसके कार्बन 12 ग्राम में कितने पार्टिकल्स पाए जाते हैं? Na पार्टिकल्स। और वो पार्टिकल्स मतलब हमारा यहाँ पर एटम से था, बाकी पार्टिकल्स मॉलिक्यूल में होते हैं। तो 12 ग्राम कार्बन 12 के, अब हमने बताया था ना मोल बहुत बड़ा नंबर है, ये व्यवहारिक रूप से हम डेली लाइफ में यूज नहीं करते। अब बात हुई एटम्स की, अगर आप एक ड्रॉप वाटर भी ले लोगे ना, तो उसमें वाटर्स के मिलियंस मॉलिक्यूल है। तो फिर अगर हमने 1 ml वाटर ले लिया तो कितना, फिर तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास छोटे मोटे नंबर कम पड़ जाएंगे। तो इसी समस्या को दूर करने के लिए एक बड़ा नंबर ढूंढा गया, तो उसके लिए स्टैंडर्ड क्या लिया गया? 12 ग्राम लिया गया। किसका? कार्बन 12 का। और इसमें कितने पार्टिकल्स हैं? इतने एटम्स होते हैं 12 ग्राम कार्बन 12 के, जिसी को क्या कहा गया? 6.022×10⁻²³। और यही नंबर जो होता है वो किसको रिपीट करता है? 1 मोल को। और स्टैंडर्ड मान के कह दिया गया कि आज के बाद अगर किसी की चीज़ के आगे 1 मोल लग गया, समझना हमारी बात, ध्यान से सुनो आप लोग, हम फॉर्मूले लिखवा देंगे और फॉर्मूले से सभी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। लेकिन कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होंगे जिनके लिए फॉर्मूले की ज़रूरत ही नहीं है, तो थोड़ा सा यहाँ पर अपने माइंड को ऐसे ओपन करके रखना, चीज़ों को एक्सेप्ट करना। बिल्कुल मोल का कैलकुलेशन वैसे ही है जैसे आप केले वेले का बनाना का कैलकुलेशन करते हो, बिल्कुल सिंपल है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। ध्यान रखना है आपको लॉजिकली समझना है और फिर फॉर्मूले से भी हम कैलकुलेशन कर लेंगे। तो ये छोटी सी बात ध्यान रखोगे, ये नंबर कहाँ से आया? 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 से। कार्बन 12 के 12 ग्राम में कितने एटम्स पाए जाते हैं? इतने। और इसी नंबर को क्या कहते हैं? मोल। मोल का मतलब होता है पाइल, ढाई, इसको बोलते हैं ढेर। और ये नाम दिया था ओसबॉल ने, कॉन्सेप्ट दिया था आपके एमिडो एवोगाड्रो ने जो मोल नाम दिया था वो ओसबॉल ने दिया था, ठीक है। और मोल का मतलब होता है पाई, पाई मतलब ढेर, ढेर सारे है ना, ये कई सारे है ना, तो ऐसे मोल का नामकरण किया गया था, ठीक है। चलिए अब हमने आपको कल 2 क्वेश्चन दिए थे जिससे बन गए हो, ठीक है, नहीं बन गए तो यहाँ देखना उस प्रकार के सब कुछ। अब हम टाइम वेस्ट नहीं करते हैं देखने में अभी, ठीक है, सीधे हम कॉन्सेप्ट में आते हैं, आप लोग एक्सेप्ट करके चलिएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ध्यान से, हम सिंपल क्वेश्चन से चालू करते हैं, फिर बड़े बड़े क्वेश्चन पे भी आएंगे। यहाँ ध्यान से देखना आप लोग, हम कुछ बातें कर रहे हैं आप लोग सामने, है ना, कुछ भी उठाते हैं, मान ली हमने उठाया, ध्यान से देखना कैसे छोटे छोटे क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो जाएंगे, फिर फॉर्मूले भी लिखवा देंगे। ऐसे बोला हमने 1 मोल, अब ध्यान रखना सेंटेंस को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, बिना सेंटेंस के पढ़े अगर आपने आंसर देने की कोशिश की तो गलत हो जाएगा जल्दबाजी से। हमने बोला 1 मोल O2 मॉलिक्यूल्स, 1 मोल O2 मॉलिक्यूल्स, 1 मोल O2 मॉलिक्यूल्स में कितने मॉलिक्यूल्स है O2 के, हमें पता है ना कितने हैं? 6.0, बिल्कुल एक्सेप्टेंस की भाव से चलना, बिल्कुल एक्सेप्ट करते चलो, 6.022×10⁻²³। और लिखना है क्या? लिखना है O2 मॉलिक्यूल्स, इतने O2 मॉलिक्यूल्स हैं, इतने O2 मॉलिक्यूल्स हैं, 1 मोल O2 मॉलिक्यूल्स में इतने O2 मॉलिक्यूल्स हैं। बात को समझना हमारी बात को, ये वैसे ही हो गया कि एक दर्जन में कितने बनाना? 12। अब आपको 1 मोल की वैल्यू पता चल गई तो क्या हम किसी की भी वैल्यू निकाल सकते हैं? अब कोई पूछ लेता 2 मोल में कितने O2 मॉलिक्यूल्स, 2 से मल्टीप्लाई करते थे, पूछ लेता 0.01, ऐसे पॉइंट वाले क्वेश्चन आते हैं तो बच्चे घबरा जाते हैं, 0.01 में कितने O2 मॉलिक्यूल्स, 0.01 से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। 0.2 में कितने O2 मॉलिक्यूल्स, तो 0.2 से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। आर्यभाषण में तो वही चीज़ हम समझा रहे हैं, ऐसे 1 मोल में इतने O2 मॉलिक्यूल्स हैं आपके, है ना, ध्यान रखिएगा। और हर प्रकार के ऑप्शन को लेके चलना है आपको 1 मोल में, और वर्ड कॉस्ट इसको पढ़ना जरूर है। तो 1 मोल में है हमारे 6.022
टू टू टेन टू की पावर 23 O2 मॉलिक्यूल्स। अब हम कह रहे हैं आपसे, जैसे पूछ लिया कि 0.1 मोल में कितने O2 मॉलिक्यूल्स हैं। अच्छा, हम इसको ऐसे भी लिख सकते थे का, इस आंसर को हम ऐसे भी लिख सकते थे, NaNaO2 मॉलिक्यूल्स लिख सकते थे ना NaO2 मॉलिक्यूल्स। अब पूछ लिया कि 0.1 में कितने हैं, तो आंसर क्या आएगा, 0.16.022×10^23 O2 मॉलिक्यूल्स। बात समझ में आ रही है क्या? अगर आपको लॉजिकल समझ में आ गया तो अब ये वाला कैलकुलेशन गलत नहीं हो सकता कि वन मोल में पूछ ले, हाफ मोल में पूछ ले, टू मोल में पूछ ले, 50 मोल में पूछ ले, 0.1 में पूछ ले, 0.3 में पूछ ले, 0.4 में पूछ ले। हमें अगर एक की वैल्यू अगर पता चल गई तो हम कितने की भी निकाल सकते हैं। सिंपल से बात, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे हम। यहाँ से अगर हम हटा दें जीरो तो नीचे आ जाएगा 10, और ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ 10 की पावर कितनी हो जाएगी, 22। सिंपल कैलकुलेशन तो सिंपल है ना। या फिर इसी को हम क्या लिख सकते थे, 0.1, और यहाँ पर क्या आएगा इसके प्लेस पे, Na आ जाएगा ना, 0.1 NaO2 मॉलिक्यूल। क्या बात को पकड़ रहे हैं आप हमारी, जो हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं, समझ में आ रहा है? थोड़ा नोट करो इसको फिर आगे की कॉन्सेप्ट में, ठीक है? बाकी हम फॉर्मूले भी लिखवा देंगे, लेकिन थोड़ा लॉजिकली समझने की कोशिश करो, है ना? और दिमाग और पेन बिल्कुल चलाते रहो, बुझ कल के जो क्वेश्चन थे वो सब अभी आ जाएंगे, सब बनने लगेंगे, है ना? इन चीज़ों को बिल्कुल हाईलाइट करके लिखो अपनी कॉपी में। राज समझ में आया, क्लियर है ना? बिल्कुल ध्यान रखिएगा, स्पीड से लिखना और टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए, साथ में लिखते चला करो थोड़ा थोड़ा सा, और समझते जाया करो। अब कुछ भी आ सकती है वैल्यू, ये नहीं है कि 0.1 ही होगी, एक्स वाई जेड वैल्यू कुछ भी हो सकती है, बस आपको मल्टीप्लाई कर देना है। ये 0.001 हो सकती थी, ये 0.2 हो सकती थी, 0.5 हो सकती थी, 0.0001 हो सकती, कुछ भी हो सकती थी ये वैल्यू। हमें करना क्या है, मल्टीप्लाई करना है, ध्यान रखिएगा। और आंसर हमेशा साइंटिफिक नोटेशन में रखने हैं। साइंटिफिक नोटेशन जानते हो, n×10^+-n, और ये n क्या होगा, एक सिंगल डिजिट के बाद स्वयं तुरंत क्या आना चाहिए, डेसिमल। क्लियर है? ये हमने बताया था, पीछे की तरफ करते हैं तो पावर बढ़ती है, आगे की तरफ करते हैं तो घटती है। हमने आपको ये बताई थी चीज़ें, ध्यान रखिएगा। अब आप लोगों से क्वेश्चन है, एक मॉलिक्यूल O2 में कितने ऑक्सीजन एटम्स हैं? बोलो सभी लोग, 2 ऑक्सीजन एटम्स है ना। जिस प्रकार एक मॉलिक्यूल O2 में 2 ऑक्सीजन के एटम्स हैं, उसी प्रकार एक मोल O2 मॉलिक्यूल्स में 2 मोल ऑक्सीजन एटम्स हैं। बात समझ में आ रही है क्या? अगर हम O2 मॉलिक्यूल्स की बात करें तब तो वो 1 मोल है, लेकिन अगर 1 मोल O2 मॉलिक्यूल्स में हम पूछे कितने मोल्स ऑक्सीजन एटम्स हैं, तो ध्यान से देखो कितने मोल हैं, 2 मोल ऑक्सीजन एटम्स है। इसलिए हम करें सेंटेंस को पढ़ना जरूरी है। देखिए, तो हम अब नेक्स्ट लिख रहे हैं कि 1 मोल O2 में, है ना, कितने ऑक्सीजन एटम्स हैं। 1 मोल O2 कंसिस्ट हाउ मैनी ऑक्सीजन एटम्स। अब हम जब भी फॉर्मूला लिखेंगे तो O2 का फॉर्मूला तो हम ऐसे ही लिखेंगे भैया, ऑक्सीजन को लिखने का तरीका यही है। तो इसको देख के बच्चे ने जल्दी से आंसर लिख दिया 6.022। अरे भैया सेंटेंस पढ़ना है आगे की, मॉलिक्यूल ऑक्सीजन को हम जब भी लिखेंगे तो हमें O2 के फॉर्म में ही लिखना पड़ेगा, मजबूरी है, एग्जिस्टेंस इसकी है इसी फॉर्म में। लेकिन आगे पढ़ो कि उसको क्या बोला गया है, 1 मोल O2 कंसिस्ट हाउ मैनी ऑक्सीजन एटम्स।
तो बच्चा क्या करता है, उसने तो जल्दी से देखा कि 1 मोल O2 और आंसर दे दिया 6.022। अरे इस सेंटेंस को कंप्लीट पढ़ना है, यहाँ मॉलिक्यूल पूछे गए, यहाँ एटम पूछे गए, तो आंसर क्या होगा 2 × 6.022 10^23 ऑक्सीजन एटम्स। सॉल्व कर लेंगे 4 × 4 = 12 हो जाएगा ना, क्लियर है, क्लियर कितना हो जाएगा 12.044 हो जाएगा ऑक्सीजन एटम्स, O2 एटम्स, है ना। चीज़ों को समझना है, या फिर हम इतना भी लिख सकते थे 2Na आंसर ऑक्सीजन एटम्स, राइट है। अब देखो इस क्वेश्चन को, कितना बढ़िया क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन सॉल्व हो गए आपके यहाँ से लॉजिकली, हमें कोई फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ी। जैसे 1 मोल में O2 मॉलिक्यूल्स पूछ ले, बहुत घुमावदार क्वेश्चन है, इसको पढ़ना है, तो हमें पता है कि O2 मॉलिक्यूल्स में 1 मोल O2 में इतने होते हैं। अब इसके बाद पॉइंट वन लगा के पूछ ले, तो अगर 1 में इतने होते हैं तो 2 में 2 का मल्टीप्लाई, 3 में 3 का, तो पॉइंट वन में पॉइंट वन का मल्टीप्लाई, और अगर एटम्स पूछ ले तो फिर इस प्रकार से हमें ध्यान रखना है। बात समझ में आ रही है, नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लेना, इसी के हम आगे का नेक्स्ट सेंटेंस लिख रहे हैं, ध्यान रखिएगा। हमने पूछा, हम कोई भी एग्जाम्पल ले सकते थे, O2 को ले लिया हमने, हम किसी भी बड़े मॉलिक्यूल्स को ले सकते थे। नेक्स्ट पूछ लिया हमने 1/2 मोल O2 में, 1/2 मोल O2 मॉलिक्यूल्स। अब बिल्कुल घबराना नहीं, पैनिक तो होना ही नहीं है, आराम से सोच के आंसर देना है। बिल्कुल सही, अरे 1 मोल की वैल्यू पता है तो हम किसी की भी निकाल सकते हैं, 1/2 मोल मतलब क्या 0.5 है ना, तो बिल्कुल पैनिक क्रिएट नहीं करना है, चीज़ों को समझो, 1/2 मोल मतलब क्या 0.5, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा 0.5 × 6.022, या फिर 1/2 रख के 2 से डिवाइड करते हैं इसको, जैसे आप चाहें, 6.022 10^23 O2 मॉलिक्यूल्स, O2 मॉलिक्यूल्स, इस हम हर तरीके से समझाने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर इसी को लिख सकते थे हम 0.5 Na मॉलिक्यूल्स, O2 मॉलिक्यूल लिख सकते थे, कैन बी रिटन एज यस, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते थे NY2 O2 मॉलिक्यूल्स, राइट है, है ना, 0.5 मतलब क्या 1/2, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। हमने O2 मॉलिक्यूल्स आगे नहीं लिखा क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है, तो आप समझ रहे हैं ना। तो देखो चीज़ों को समझते चलो, एक्सेप्ट करते चलो, ठीक है, इसमें और इसमें क्या डिफरेंट है, इसमें क्या लिखना था, 0.1 में हमें समझ में नहीं आ रहा पढ़ना क्या कहना चाहते हो, तेज बोलो थोड़ा सा, इन दोनों में है ना, चलिए बिल्कुल सही। यहाँ हमने पूछा था कि 0.1 मोल O2 में कितने मॉलिक्यूल्स हैं, मॉलिक्यूल्स तो 1 मोल में इतने होते थे, तो 2 मोल्स में इसके डबल, 3 मोल्स में ट्रिपल, तो 0.1 मोल 1 मोल की चाहिए, जितने मोल पूछ रहे उतने का मल्टीप्लाई करते जाएंगे, तो अगर 0.1 में पूछ लिया तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 0.1 से। अब आप इसमें और इसमें, इसमें और इसमें डिफरेंस है कि यहाँ मॉलिक्यूल्स पूछे गए थे और यहाँ एटम्स, 1 मोल O2 और 1 मोल O2 में एटम्स, तो 1 मोल O2 मतलब इतने मॉलिक्यूल्स, लेकिन 1 मोल O2 में हम एटम्स देख लेंगे तो 1 मोल O2 में ऑक्सीजन के एटम्स कितने हैं, 2 है ना, 2, जैसे कि हम अगर O3 लिख दिए थे तो 1 मोल O3 में कितने ऑक्सीजन के एटम्स हैं, 3 है, तो 1 मोल O2 में कितने ऑक्सीजन के एटम्स हैं, 2, तो हमसे 2, तो अगर O2 होता 1 मोल मॉलिक्यूल्स तो इतने नंबर होते, लेकिन हमें पता है कि जैसे हम 1 O2 मॉलिक्यूल्स को तोड़ेंगे तो 2 ऑक्सीजन एटम्स मिलेंगे, उसी प्रकार अगर 1 मोल O2 मॉलिक्यूल को तोड़ेंगे तो 2 मोल O2 एटम्स मिलेंगे,
दो मोल ओ टू, हर एक चीज़ टूटने के बाद मोल बन जाती है। जैसे अगर हमने बोला एक मोल ओ थ्री, तो ये टूट के सब एक मोल तीन मोल ऑक्सीजन एटम देगा। टूटने के बाद वो भी किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, मोल में ही कन्वर्ट हो जाएंगे, पर उनकी साइज छोटी होगी। जैसे हमने बोला ये चौक, अब छोटी कर दी तब भी तो चौक ही है, वैसे इसकी साइज क्या हो गई, छोटी हो गई। तो हमने बोला एक मोल ओ टू और फिर उसको तोड़ा तो ये ऑक्सीजन एटम जे भी अपने आप में एक एक मोल बन जाएंगे, फिर साइज क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी, स्मॉल हो जाएगी। इस बात को आ जाएगा पढ़ना, है ना, थोड़ा और वेट करो, आ जाएगा, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और देते हैं, और मतलब ऐसी क्वेश्चन नहीं कॉन्सेप्ट, और फिर आगे चलते हैं ना, बड़े ढेर से चलना है, कोई जल्दबाजी नहीं है, फिर फॉर्मूले भी बताते हैं ना आपको। देखिए नेक्स्ट पूछ लें हम, नेक्स्ट है हमारा हाफ मोल ओ टू कंसिस्ट हाउ मैनी ऑक्सीजन एटम्स। आराम से करना है सॉल्व, जल्दबाजी नहीं, बिल्कुल धैर्य के साथ सॉल्व करना है, समझना है पहले क्या लिखा हुआ है। हो गया राज सॉल्व, हाँ हाँ आ गया आंसर, है ना। देखो देखो ध्यान से, पहले हम बात कर ले हाफ मोल ओ टू में कितने ऑक्सीजन आइटम्स है। देखो आराम से, आवाज़ नहीं आ जाओ यहाँ पर सभी लोग, बाद में आपस में डिस्कशन करना, हमें थोड़ा सा इसको अपनी भाषा में क्लियर कर दें। हाफ मोल ओ टू कंसिस्ट हाउ मैनी ऑक्सीजन एटम, पढ़ लिया करो आगे क्या लिखा है। कई बार बच्चे क्या होते हैं, साइन देखा उनने ओ टू का और सीधे आंसर दे दिया, उनने बोले कि हाफ मोल ओ टू में हाफ से मल्टीप्लाई कर दो आंसर आ जाएगा। पढ़ लिया करो भैया कि आगे लिखा क्या हुआ है। हाफ मोल ओ टू, हाफ मोल का मतलब हो गया 1/2 Na, यही हो गया ना 1/2 Na 6.022 × 10³, समझना बात को। हाफ मोल का मतलब तो इतना ही होगा ना, ये तो एक्सेप्ट करते हो, हाफ मोल इतना होता है। लेकिन हाफ मोल ओ टू में एटम्स पूछे हैं ना, तो एक ओ टू में कितने एटम्स होते हैं, तो हमें हाफ मोल में कितने हैं आपके, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो टू से टू क्या हो जाएगा, और आंसर हमारा कितना आ जाएगा, Na एटम्स, NaO2 एटम्स। सिद्धार्थ नहीं आया समझ में, आ गया, चलो फिर हाँ। नहीं बेटा, सिर्फ मोल की 6.0223 होती जब वो वन मोल हो, हाँ तो दे 3 पॉइंट ही तो लिखा बेटा सॉल्व, हाँ डायरेक्ट भी कर सकते थे, बात तो भाई ये 3.011 ही तो लिखा हुआ है ना, आप ऐसे भी लिख सकते थे, बिल्कुल सही है, हो गया ये। मैं कहीं दिक्कत आ रही है, क्लियर है, चले हाँ। हाफ मोल ओ ऐसे ऐसे लिखा नहीं जाता है, सिर्फ हाफ मोल ओ है ना, नहीं नहीं लिखा जाते ये, क्योंकि इनकी नेचुरल एग्जिस्टेंस क्या है, ये मॉलिकुलर फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, तो इनके मॉलिक्यूल चाहे एटम सिंबल चेंज नहीं होता इनका, है ना। कोई लिख दे तो वो बात अलग है, लेकिन वो रिप्रेजेंटेशन गलत है। इनकी किस फॉर्म में एग्जिस्टेंस लिखी जाती है, जैसे आपसे हम कहें एक ऑक्सीजन का एटम्स लिख के दिखाओ, तो ऐसे लिख दोगे तो वो गलत होगा, उसको ऐसे लिखना पड़ेगा। तो ये हाफ ओ टू मतलब कितना होगा, एक ऑक्सीजन एटम, तो नेचुरल एग्जिस्टेंस के अकॉर्डिंग लिखा जाता है, ऐसे कभी नहीं लिखा जाता। हाँ हीलियम का नेचुरल यही है, तो उसको ऐसे ही लिखा जाएगा, है ना, आ जाएंगी चीज़ें समझ में, बिल्कुल परेशान मत हो ना, चलो ठीक है। अब आगे चलते हैं, अभी हम कॉन्सेप्ट को सिर्फ आपको दिमाग पे क्लियर कर रहे हैं ना, कि छोटे मोटे क्वेश्चन आप ऐसे ही क्लियर कर लो, फॉर्मूला देखने की जरूरत ही नहीं पड़े, फिर हम फॉर्मूले से भी बड़े बड़े क्वेश्चन लगवाते हैं ना। चलिए नेक्स्ट, थोड़ा सा हम आपको चाहते हैं आप इन चीज़ों को लिख लें और अच्छे से अपने दिमाग में फिट कर लें। डालिए हेडिंग,
मोलर मोल कॉन्सेप्ट के अंदर ही है, मोलर मास। इस शब्द को भैया दिमाग में फिट कर लो, मोलर मास को, मोलर मास। मोलर मास, मोलर मास ध्यान रखिएगा। मोलर मास मतलब होता है मास ऑफ वन मोल। व्हाट इट मींस, मास ऑफ वन मोल कहलाता है मोलर मास। अब देखिए ध्यान से, मोलर मास अगर आप किसी के भी मास को, किसी के भी मास को अगर ग्राम में लिख देते हो तो कितने का मास हो जाता है, ये हम आपको प्रूफ करके भी बता चुके हैं, फिर से अभी प्रूफ कर देंगे। तो ग्राम एटॉमिक मास अगर लिख दिया आपने तो उसका मास मतलब क्या है, मोलर मास। अगर आपने, अब वो आपको अंडरस्टैंड करना है, जैसे हमने लिखा, हमने लिखा यहाँ पर O2 का मास, तो एक ग्राम मॉलिक्यूलर मास लिखा हुआ है क्योंकि मॉलिक्यूल है। लेकिन हमने लिखा यहाँ पर हाइड्रोजन का मास, तो ये क्या लिखा हुआ है, एटॉमिक मास। ये आपको खुद समझना पड़ेगा देख करके, एटम का दिया। अब हमने CO2 का मास लिखा तो ये एटॉमिक मास थोड़ी होगा भैया, ये तो मॉलिक्यूल है ना, तो ये कौन सा मास होगा, मॉलिक्यूलर मास। तो अब इसके लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आप सब कुछ भूल जाओ, आप जैसे मास जानते हो वैसे ही मास निकालो, उसके आगे सिर्फ यूनिट ग्राम लगा दो तो वो क्या बन जाएगा, मोलर मास। सिंपल सी बात है। तो ग्राम एटॉमिक मास भी मोलर मास है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास भी हमारा कौन सा मास है, मोलर मास है, और ग्राम फॉर्मूला मास भी हमारा कौन सा मास है, मोलर मास है। ये बात समझ में आ रही है। तो अब हम इतना सारा नहीं लिखेंगे हर जगह, ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ग्राम फॉर्मूला मास, हम तीनों के लिए कौन सा वर्ड यूज कर देंगे, मोलर मास यूज कर देंगे, ठीक है, मोलर मास। लिखते चलो धीरे धीरे, लिखते चलो सभी लोग धीरे धीरे, फुल फॉर्म लिख देते हैं सबके, ठीक है। ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ग्राम फॉर्मूला। अब हमें इन्हीं, अब हमें AMU वाले मास का तो कभी मिलेगा ही नहीं, हमें अब यही मास लेके चलना है, ग्राम फॉर्मूला मास। और केमिस्ट्री में एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, एक्सेप्ट करो चीज़ों को, बाकी हम प्रूव कर चुके हैं इसको, ग्राम फॉर्मूला मास। ये सभी हमारे मास है। कैसे पता चला हमें वन मोल का मास है, क्योंकि एटॉमिक मास के आगे कौन सी यूनिट लगी है, और हमने बता दिया था कि ग्राम में यूनिट आ गई तो कितना हो जाता है, वन मोल का हो जाता है, वो हम प्रूफ भी कर चुके हैं। तो मोलर मास क्लियर है, आज के बाद कोई पूछ ले तो मास ऑफ वन मोल क्या कहलाता है हमारा, मोलर मास कहलाता है। अब थोड़े इसके एग्जाम्पल लिख लेते हैं एक्सरसाइज के द्वारा, ठीक है, चाहे वो ग्राम एटॉमिक मास हो, चाहे वो ग्राम मॉलिक्यूलर मास हो, चाहे वो ग्राम फॉर्मूला मास हो। अब हमें इतना सारा पढ़ना ही नहीं है, हमें इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, हमें तो पता चल गया कि इनके लिए एक वर्ड है मोलर मास, हो हमें यूनिट बेस ग्राम लगा देनी है, टेंशन ही खत्म, कुछ उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। चलिए कुछ एक्सरसाइज से इसको समझते हैं। मोलर मास वेरी इंपॉर्टेंट, अभी मोलर वॉल्यूम आने वाला है, ध्यान रखिएगा मोलर वॉल्यूम आने वाला है। तो वन मोल का किसी का मास आ गया तो वो हमेशा आपका मोलर मास कहला जाएगा, और जो मोलर मास की यूनिट आने वाली है वो क्या आने वाली है, ग्राम आने वाली है। अब कोई कहते सर किलोग्राम में नहीं लिख सकते, अरे भैया लिख सकते हो, ग्राम किलोग्राम में कन्वर्ट करना कौन सी बड़ी बात है, हमने पूछ लिया 1000 ग्राम कल कितने किलोग्राम, 1000 डिवाइड कर दो वन तो किलोग्राम। लेकिन कहीं भी आपको किलोग्राम की जरूरत नहीं पड़ती है, ग्राम में ही कोई बोलता तक नहीं है किलोग्राम, सिर्फ ग्राम की जरूरत पड़ती है, ओनली एंड ओनली ग्राम। यूनिट क्या होती है इसकी, ग्राम होती है, ध्यान रखिए। अब हम थोड़े से कुछ एक्सरसाइज करा रहे हैं, हमें कुछ देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि कौन एटम है कौन मॉलिक्यूल है, हमें तो आंसर से पता चल जाएगा। देखिए यहाँ लिखेंगे हम मास इन AMU, मास इन AMU, मास इन AMU, और यहाँ लिखेंगे हम मोलर मास, यहाँ लिखेंगे हम मोलर मास लिखेंगे, ठीक है, यहाँ हम लिखेंगे मास AMU, मास इन मोलर मास, ठीक है।
हाइड्रोजन बताओ 1 AU, और इसका मोलर मास क्या होगा? अब हमने लिखा मोलर मास सही है, लेकिन अगर इसका कोई नाम पूछे तो ग्राम एटॉमिक मास है, इससे हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला है, हमें तो सिर्फ मोलर मास कन्वर्ट करना है। हमने लिखा O2, जल्दी बताओ, जल्दी बोलो O2 नॉट ऑक्सीजन, अरे O2 32 AMU, और ये 32 ग्राम मोलर मास है और ग्राम मॉलिक्यूलर मास है। ये कौन सा मास है? ग्राम मॉलिक्यूलर मास, समझ में आ गई बात? लेकिन हमें उससे कोई हमें पता हो कि ना पता हो, हमें तो अब ये बस पता चल जाए कि उसका मास अगर ग्राम में लिख दिया तो वो क्या हो गया? मोलर मास हो गया, है ना। जैसे हम ये लिख दें, अब एक और एग्जाम्पल अभी और लिखेंगे, अब इसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। NaCl बताओ जल्दी, 23 किसका? सोडियम का, ऐसे याद करते चलो रट जाएंगे धीरे धीरे। और क्लोरीन का कितना? 35.5, रट ही लो इसका NaCl का आज के बाद, 58.5 क्या? AMU, और यहाँ तो क्या आ जाएगा? 58.5 ग्राम। अब हमें अगर पता नहीं होता ये फॉर्मूला है तो क्या हमारा मास गलत आ जाता क्या? नहीं आ सकता था, हालांकि हमें पता है NaCl कौन सा कंपाउंड है? आयनिक कंपाउंड है, और आयन वालों को क्या बोलते हैं? फॉर्मूला। तो ये कौन सा मास लिखा हुआ है? ग्राम फॉर्मूला मास। अब इन सब चीज़ों से अब हमें फ़र्क नहीं पड़ता, हमें तो बस इतना पता चल गया कि किसी का भी मास ग्राम में लिख दिया तो वो मोलर मास। और देखें जल्दी जल्दी कुछ स्पेशल, CO2 रटा हुआ है ना, रटा हुआ है 44 AMU, और यहाँ 44 ग्राम रटा हुआ है हमें। NaOH रटा हुआ है क्या? 40, कितना? 40 AMU, यहाँ कितना आ जाएगा? 40 ग्राम। बस हमारा मतलब था कि आपको थोड़ा कॉन्सेप्चुअली समझा रही है क्या होता है, ठीक है। इतने एग्जाम्पल्स हमारे लिए पर्याप्त हैं, और लिख दें, और रटना है एक साथ लिखवा दें क्या? और इम्पोर्टेंट, चलो तो और इम्पोर्टेंट एक साथ लिखवा देते हैं, इसको याद कर लेना, ठीक है। ऐसे ही लिखते लिखते याद हो जाएंगे आप लोगों को, है ना, बाकी कैलकुलेशन तो आते ही हमें, ठीक है। चलो और लिख देते हैं कुछ अच्छे अच्छे से, ठीक है। चलो H2SO4, SO4 का बताया था 96, 2 और जोड़ो 98 AMU, इस साइड कितना? 98 ग्राम, ठीक है। अब हमने लिखा HNO3, याद है क्या? नाइट्रिक है, ठीक है। चलो बिल्कुल आराम से चलना है ना, 63 ग्राम। चलो और अच्छे अच्छे से लिख देते हैं जिनकी ज़रूरत पड़ती है आपको, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट की भी ज़रूरत पड़ती है, इसका तो सबसे सरल है 100 AMU, 100 ग्राम। अब तो वैसे हमें पता चल गया कि ग्राम में ये लिख दिया, तो और लिख दे चलो एक दो अच्छे अच्छे से, जैसे ग्लूकोज का लिख दे C6H12O6, 180, वेरी गुड, 180 AMU, 180 ग्राम, है ना, ये ग्लूकोज है, दिस इज अ ग्लूकोज, ठीक है। सुक्रोज का लिख दें 12 22 11, 342, वेरी गुड, 342 एटॉमिक मास यूनिट, 342 ग्राम, ठीक है। अब जिन बच्चों को अभी तक ये समझ में नहीं आ रहा है, वैसे तो आ जाना चाहिए फिर भी नहीं आ रहा, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उनको फिर से समझाएं कि वही मास AMU में है न्यूमेरिकली, वही ग्राम में है, तो न्यूमेरिकली तो सिमिलर है, और बस ये इतने में। अच्छा आपको पता है इस और इस डिजिट में बहुत बड़ा फर्क है, ये एक मॉलिक्यूल का मास है और एक मोल का, मतलब कितने का? 6.022×10³³ का मास है, बहुत फर्क है, इसमें ध्यान रखिएगा। चलिए अब हम एक छोटा सा इसको एक बार और छोटा सा सॉल्व करके दिखा देते हैं इसको, क्योंकि अब मोलर मास आगे नहीं आएगा, है ना। तो एक बार और हम बता देते हैं कि AMU और आपका ग्राम में करते हो तो न्यूमेरिकली वैल्यू सेम क्यों आ जाती है, ठीक है, किसी का भी ले सकते हैं हम, है ना। अच्छा ये जो होता है ना कैल्शियम कार्बोनेट, ये जो लिखा हुआ है यही होता है चूने का पत्थर या मार्बल का फॉर्मूला, यही होता है, कोई पूछ ले कभी लाइम स्टोन, कोई चौक का फॉर्मूला पूछ ले, यही है कैल्शियम कार्बोनेट,
ध्यान रखिएगा, लाइमस्टोन भी इसी को बोलते हैं, चूने का पत्थर। अभी एक दिन हम सब फॉर्मूले लिखवा देंगे आपके आसपास से रिलेटेड चीज़ों के, है ना, कोई पूछ ले तो। लाइमस्टोन, चूने का पत्थर, ठीक है। चलो अब हम जा रहे हैं रब कर रहे हैं ना, रब कर रहे हैं हम अभी, जितने लिख गए वो पर्याप्त है, रटने नहीं है, कैलकुलेशन करना है हमें, ठीक है। चलो अब देखो, नोट लिख रहे हैं हम कि एक्स ए एम यू बिकल इक्वल बन जाती है एक्स ग्राम। तो अगर ये ग्राम में चली गई तो इसका मतलब कितना हुआ, वन मोल का। और ये जो एक्स कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग एस, ए एटम भी हो सकता है और ए मॉलिक्यूल भी हो सकता है और ये फार्मूला भी हो सकता है। हालांकि हम आपसे कहेंगे कि आप फार्मूला वार्मूला की कोई दिक्कत नहीं है हमें, ये कुछ भी हो सकता है, कैन बी एटम कैन बी मॉलिक्यूल फार्मूला। तो ये न्यूमेरिकली सेम कैसे आ जाते हैं, बिल्कुल एक्स ए एम यू एक्स ग्राम, हाउ इट दे बिकम न्यूमेरिकली सेम विथ ईच अदर, है ना, उसी को हम बता देते हैं कि एक्स ए एम यू और एक्स ग्राम बिल्कुल रिलेशन कैसे। क्योंकि बोला एक्स एटम ए एम यू, एक्स मॉलिक्यूल ए एम यू, एक्स फॉर्मूला ए एम यू। और अगर वही पूछ लेते कि एक मोल एटम, एक मोल मॉलिक्यूल, एक मोल फॉर्मूला, तो उनका मास बिल्कुल सिमिलर कैसे आ जाता है आपका, सिमिलर नहीं है, हालांकि फ़र्क बहुत बड़ा है जी, एक एटम का है जी, एक मॉलिक्यूल का है जी, एक फॉर्मूले का है, और ये एक मोल का है 6.02×10^20, तो ये सेम कैसे हो जाते हैं ग्राम में, ठीक है। इसी को सॉल्व कर देते हैं हम, ठीक है। हमने बोला दिया हुआ है हमारा एक्स ए एम यू, ये हमारा दिया हुआ है। अब पूछ लेता है एक्स एक एम यू का है एक्स एम यू, तो टू का टू एक्स एम यू, थ्री का तो वन मोल एक्स का कितना हो जाएगा, वन मोल इक्वल हो जाएगा एन ए इंटू एक्स इंटू एम यू, यही हो जाएगा। वन मोल एक्स का पूछ लेंगे तो वन मोल कितना होता है, यानी हम जब कोई पूछ लेता कि टू एक्स का मास कितना होगा तो टू से मल्टीप्लाई, थ्री का तो थ्री से, तो वन मोल का तो वन से, ठीक है। अब हम इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, देखिए कैसे आपको, एक तो ये एन ए फिर ये एक्स और वो एम यू किसके इक्वल होता है, वन अपॉन एन ए ग्राम का, तो आंसर कितना आ गया एक्स ग्राम। जे हमारा न्यूमेरिकल वैल्यू आ गई एक्स ग्राम। ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे हम इसको, या और डिटेल से बता देते हैं, ठीक है। देख लो ए एम यू किसके इक्वल होता है, वन अपॉन एन ए ग्राम के इक्वल होता है, ए एम यू इक्वल होता है वन अपॉन एन ए ग्राम का। हालांकि इस डेरिवेशन का आपकी कभी ज़रूरत थोड़ी पड़नी है, वो तो आपके दिमाग को खोलने के लिए हमने बता दिया। आपको तो सब इतना पता होना चाहिए कि ग्राम में लग गया तो वो मोल का है, ठीक है। चलो इसको और थोड़ा डिटेल से बता दी इसी बात को हम, तो देखो इसी को और करके हम यहाँ बता देते हैं, ठीक है। इस वाले पार्ट को हम यहाँ बता देते हैं और करके, ठीक है ना। देखिए इस वाले पार्ट को नहीं, इस वाले पार्ट को, ठीक है। देखो कैसे, एन ए मतलब कितना, 6.02×10^20, ये सिर्फ आपके समझने के लिए, बाकी कोई जरूरत नहीं। 6.02×10^23 एक्स का एक्स ए, और एम यू को कितना होता है, 1.66×10^24 ग्राम, यही होता है ना। ए एम यू की वैल्यू कितनी होती है, 1.66×10^24 ग्राम। अब ध्यान से देखना, ये जो आपका यहाँ पर दिया हुआ है 6.022 और ये जो दिया है 1.66, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देख लो आंसर कितना आने वाला है, 10। अब देखो इस 10 को यहाँ जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, 10^24, 10^24 और यहाँ 10^4 कितनी, -24। ए वैल्यू और ए वैल्यू क्या हो गई, क्या बचा आंसर,
एक्स ग्राम करना हो नोट तो कर लो, जैसी आपकी इच्छा हो। एक बार और समझा दें, चलिए देखिए एक्स ग्राम आ गया किसका, वन मोल का आंसर। कुछ भी हो वो वन मोल एटम हो, वन मोल मॉलिक्यूल्स हो। देखो सिद्धार्थ जे, हमने हमने पूछा कि हमने कहा कि एक्स एम यू मास दिया हुआ है, तो टू का टू एक्स एम यू, तो वन मोल का वन मोल एक्स एम यू, वन मोल से ही करेंगे मल्टीप्लाई। तो वन मोल की वैल्यू कितनी होती है, 6.0 × 10^23। एक्स का एक्स रख दिया और ए एम यू की वैल्यू क्या होती है, अगर आप 112 पार्ट ऑफ कार्बन 12 लेते हो तो इसकी वैल्यू कितनी आई थी आपकी, 1.6 × 10^24 ग्राम। ये वैल्यू हमें याद होनी चाहिए 1 एम यू की, 1.6 × 10^24 ग्राम। अब 6.022 और 1.66 को आप मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर कितने आने वाला, 10, ठीक है ना। अब यहाँ 10^23 और एक 10 और इसको मिल गया, तो 10^ कितनी हो जाएगी, पावर 24 माइनस 24 क्या हो जाएगा, कैंसिल। यहाँ से बचा x और यहाँ से क्या बचा, आंसर हो गया, ठीक है। चलिए ये हम पहले भी बता चुके हैं, फिर से बता रहे हैं कि आपकी चीज़ें क्लियर हो जाए, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। अब आगे चलते हैं हम, ठीक है। एक चीज़ और आपको अब पता होनी चाहिए, दैट इज मोलर वॉल्यूम। और फिर आते हैं हम न्यूमेरिकल्स में, मोलर वॉल्यूम। मोलर वॉल्यूम डाली, मोलर मास क्लियर। अब वैसे तो हमने पूरा कॉन्सेप्चुअली क्लियर किया है, लेकिन हम आपको बिल्कुल हल्के में ले आ रहे हैं, इतना सारा ध्यान नहीं रखना है मोलर मास क्लियर। हमें अब बस इतना ध्यान होना चाहिए, चाहे आप किस एटम का मास, चाहे मॉलिक्यूल का मास, चाहे किसी का मास ग्राम में लिख दोगे तो वो क्या लगेगा, मोलर मास। और हमें इसके लिए कुछ ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। चलिए डाली नेक्स्ट हेडिंग, मोलर वॉल्यूम। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, मोलर वॉल्यूम। मोलर वॉल्यूम और इसका सिंबल होता है वी और नीचे एम, मोलर वॉल्यूम। ध्यान रखिएगा, एक सिर्फ एंड सिर्फ, ओनली एंड ओनली, हम यहाँ लिख दे रहे हैं, ओनली एंड ओनली वैलिड फॉर गैस। सिर्फ एक गैस के लिए निकालोगे आप मोलर वॉल्यूम ऑफ लिक्विड नहीं निकाल दोगे, मोलर वॉल्यूम ऑफ सॉलिड नहीं निकाल दोगे, सिर्फ गैस एंड गैस, ओनली एंड ओनली फॉर गैस, ध्यान रखिएगा, या फिर गैसेस। अवश्य बेस्ट डेफिनेशन बता देते हैं, मोलर मास कितने मोल का मास, तो मोलर वॉल्यूम कितने मोल का वॉल्यूम, लेकिन वन मोल होगी क्या सॉलिड लिक्विड की गैस, यस ध्यान रखिएगा, ये रखिए होता है वॉल्यूम ऑफ वन मोल ऑफ गैस, वन मोल ऑफ गैस, वन मोल ऑफ गैस, वन मोल ऑफ गैस। वन मोल मतलब कितना, जल्दी बताओ, 6.022 × 10^23 वॉल्यूम ऑफ वन मोल ऑफ गैस कॉल्ड मोलर वॉल्यूम, कॉल्ड मोलर वॉल्यूम, कॉल्ड मोलर वॉल्यूम। और पहले तो हम आपको बता दें, रट लो, कोई भी गैस का मोलर वॉल्यूम पूछ लिया जाएगा 100% 22.4 लीटर आएगा, ऑलवेज ऑलवेज ऑलवेज। लेकिन जो आपका लिया जाएगा एसटीपी पे लिया जाएगा, ऑलवेज एट एसटीपी, ऑलवेज एट एसटीपी, एसटीपी। अभी सब बताते हैं एसटीपी क्या होती है, बिल्कुल फिक्स है। अभी इसकी डेफिनेशन भी लिखवाते हैं हम, ठीक है, अभी बताते हैं ना, बिल्कुल धैर्य के साथ सुनते चलो। कोई भी गैस के इतने पार्टिकल्स कितना वॉल्यूम कवर करेंगे, 22.4 लीटर कवर करेंगे, कोई भी गैस हो जाएगा। आ रही बात समझ में, आज फिर ना परसेंट है, हम इन दो तीन एक दो बच्चों को हमें ऐसे करते रहेंगे, तबीयत खराब है क्या पिनपी, बिना एप्लीकेशन की छुट्टी नहीं मिल सकती, और ये कर क्या रहे हैं। अब ये देखिए ध्यान से,
पहले हम एक डेफिनेशन लिखवाने वाले हैं जी, मोलर वॉल्यूम की डेफिनेशन नहीं हुई। ये हमने बताया है कि कोई भी गैस अगर 1 मोल हो जाएगी तो उसका वॉल्यूम कितना आएगा, 22.4 लीटर। बिल्कुल फिक्स है, 100% आपका, है ना। अब थोड़ा ध्यान से देखो, एक आया कहाँ से, कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, ये हम आपको कॉन्सेप्ट बताएं। अभी डेफिनेशन भी लिखवा रहे हैं, फिर कॉन्सेप्ट। एक होता है आपका आइडियल गैस इक्वेशन, पढ़ा है क्या आप लोगों ने? नहीं पढ़ा तो इस साल पढ़ लेंगे बड़ी आप इसको। आइडियल गैस इक्वेशन PV इक्वल NRT जे कहलाता है आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन कांस्टेंट प्रेशर पे निकाला जाता है, ऑलवेज कांस्टेंट टेम्परेचर पे निकाला जाता है ऑलवेज। और R तो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, 8.314 जूल केल्विन मोल इनवर्स इसकी वैल्यू होती है। तो ये यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, गैस कांस्टेंट है आपका, ये यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है। अब देखो ये कांस्टेंट हो गया, एक कांस्टेंट हो गया, एक कांस्टेंट हो गया, बच्चा क्या भी प्रोपोर्शनल एन, यही बचा आपका। तो अब इसका सीधा सा आंसर है कि अगर कोई भी गैस 1 मोल हो जाएगी, कोई भी गैस, तो उसका वॉल्यूम भी कैसा आएगा, सेम आएगा। वॉल्यूम हमेशा क्या आएगा, सेम। 1 मोल O2 हो जाएगी तो भी उसका वॉल्यूम भी, 1 मोल CO2 आएगी तो भी उसका वॉल्यूम भी, 1 मोल हीलियम आएगी तो भी उसका वॉल्यूम भी। और ये भी क्या है बताओ, किस टाइम किस पे है, कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, ये भी तो कॉन्स्टेंट वैल्यू है। तो ये वॉल्यूम कितना हो जाने वाला है, 22.4 लीटर। मतलब इसको हम ऐसा लिख दें कि वॉल्यूम को हम क्या लिख दें, एन। तो अब आपसे 1 मोल गैस का कोई मोलर, 1 मोल गैस का वॉल्यूम पूछ ले तो वो हमेशा कितना आएगा, 22.4। 1 मोल O2 वॉल्यूम 22.1, 1 मोल CO2 वॉल्यूम 22.4 लीटर, 1 मोल ओजोन 22.4 लीटर, 1 मोल N2 22.4 लीटर। कोई भी गैस अगर 1 मोल हो गई, कोई भी गैस अगर 1 मोल हो गई तो उसका वॉल्यूम कितना आएगा, हमेशा Vm, दैट इज मोलर वॉल्यूम। नोट करो इस बात को, यहाँ से आया है कॉन्सेप्ट। यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट लिख तो दिया बेटा, यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट 8.314 जूल केल्विन मोल इनवर्स की वैल्यू होती है, लेकिन अभी उसमें हम फंसा नहीं रहे, बाद में बताएंगे। एन मोल एन मीन्स मोल, जे मोल का क्या है, सिंबल है, और एन ए क्या है, नंबर है, ए नंबर है, कितना है, 6.022 × 10²³ ए सिंबल है मोल का। अरे इतना नहीं परेशान होना है इसमें, ये तो हम बहुत डिटेल में बता रहे हैं आप लोगों को, अभी हम इसको बिल्कुल एक लाइन में समराइज कर देते हैं, क्यों परेशान हो रहे हैं आप लोग। ये तो हमारा ये है कि आपको बिल्कुल पता चल जाए किसका कहाँ से जन्म हुआ है। तो ये आइडियल गैस इक्वेशन से आता है, लो आपको एक नंबर में पता भी चल गया, अगर आइडियल गैस PV = NRT। ये भी कॉन्स्टेंट रखना है, ये भी सर रखना कितना है कॉन्स्टेंट वो तो बता दो, 10 प्रेशर, 1 ATM, 2 ATM, इतना कांस्टेंट रखना है बेटा, इतना स्टैंडर्ड टेम्परेचर, इतना कांस्टेंट रखना। अब सर ये स्टैंडर्ड टेम्प इसको बता दो, बता देते हैं अभी क्या होता है। बिल्कुल दिमाग को ओपन करके रखना और चीज़ों को एक्सेप्ट करते चलो, बिल्कुल सिंपल हो जाने वाला है। रब कर दिया पढ़ना महक, चलो अब इसकी हम डेफिनेशन लिखवा देते हैं, ठीक है ना। किसकी डेफिनेशन लिखवा रहे हैं, मोलर वॉल्यूम की, ठीक है ना। चलिए डेफिनीशन ऑफ मोलर वॉल्यूम, डेफिनीशन ऑफ मोलर वॉल्यूम,
वन मोल ऑफ एनी गैस, वन मोल ऑफ एनी गैस एट एस टी पी ऑक्यूपाइड 22.4 लीटर वॉल्यूम, 22.4 लीटर वॉल्यूम विच इज कॉल्ड मोलर वॉल्यूम, विच इज कॉल्ड मोलर वॉल्यूम। नोट कर लो। अब हमारे लिए आप इसे इतना पकड़ लो, बाकी सब तो साइड में रख दो, अभी न्यूमेरिकली सॉल्व करेंगे। किसी भी गैस का वन मोल का वॉल्यूम पूछ लिया जाए, बिल्कुल रट जाना चाहिए आपको 22.4 लीटर। जैसे किसी भी चीज़ की वन मोल की वैल्यू रट गई आपको 6.022×10^23, उसी प्रकार आपको रट जानी चाहिए मोल वॉल्यूम। अभी हम थोड़ा रिलेशंस भी इसमें करते हैं, ठीक है। वन मोल ऑफ एनी गैस एट एसटीपी, बताते हैं एसटीपी क्या होता है, ऑक्यूपाइड 22.4 लीटर वॉल्यूम विच इज कॉल्ड मोलर वॉल्यूम, मोलर वॉल्यूम कहलाता है। अब समझना थोड़ा सा और, है ना। पहले हम एसटीपी क्लियर कर दें आपके लिए, एसटीपी क्या होता है ना। देखो एसटीपी लिखा मिल जाए, एनटीपी लिखा मिल जाए, ठीक है ना। एसटीपी लिखा मिल जाए या फिर एनटीपी लिखा मिल जाए, क्या सर एसटीपी और एनटी में डिफरेंस होता है? आप लोगों के लिए कोई डिफरेंस नहीं है, एसटीपी और एनटी में होता है, लेकिन आप लोगों के लिए कोई डिफरेंस नहीं है, ना तो एसटीपी में ना एनटीपी में कोई डिफरेंस नहीं। आपको दोनों को एक लेके चलना है। यहाँ एस से मतलब है स्टैंडर्ड, एस से मतलब क्या है स्टैंडर्ड, और एन से मतलब क्या है नॉर्मल। टीपी का तो जानते ही हो, टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो इसका मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, और इसका मतलब होता है नॉर्मल टेम्परेचर। आप लोगों के लिए कोई डिफरेंस नहीं है इसमें, ध्यान रखिए दोनों आपके लिए सेम है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो देखो ओल्ड कन्वेंशन बता दें पहले, हम ओल्ड के अकॉर्डिंग ही पढ़ने वाले हैं। ओल्ड कन्वेंशन क्या कहता है, ओल्ड कन्वेंशन के अकॉर्डिंग जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर होता है वो होता है 0 डिग्री सेल्सियस। केल्विन पता चल जाएगा, 273.15 केल्विन, जानते हो ना केल्विन कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस मतलब कितना केल्विन, 273 केल्विन, यही होता है ना। और अगर और एक्यूरेट जाएं तो कितना, 273.15 केल्विन। आप तो इसको याद रखो 0 डिग्री। और ओल्ड कन्वेंशन के अकॉर्डिंग प्रेशर लेना है 180 एम, ये है भाई आपका स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड स्टैंडर्ड प्रेशर। किसमें, ए टी एम में बाद में भी आएगा, वो भी बता देते हैं, लेकिन इसको ध्यान रखो कितना 180 एम। हाँ सिद्धार्थ क्लियर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर 0 डिग्री, स्टैंडर्ड प्रेशर 180 एम। और हम बता दें प्रेशर तो फिक्स है स्टैंडर्ड, किसी के लिए भी कितना लग रहा है, जितना हमारे ऊपर लग रहा है कितना लग रहा है 180 एम, या आजकल वन वार बोलने लगे हैं आप, वार को भी बता देते हैं आपको। लेकिन टेम्परेचर स्टैंडर्ड किसी चीज़ के लिए वह होता है जिस पे वो मैक्सिमम उसकी रिएक्शन हो जाए। तो जब आप सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ोगे क्लास 12th में, तो ध्यान रखना वहाँ सॉल्यूशन के लिए स्टैंडर्ड टेम्परेचर हो जाता है 25 डिग्री सेल्सियस, है ना। लेकिन गैसेस के लिए स्टैंडर्ड टेम्परेचर कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस है, ये ध्यान रखिए। ओल्ड कन्वेंशन है हमें, और हम इसी के अकॉर्डिंग आपकी स्टडी करेंगे, ये है आपका। और न्यू कन्वेंशन क्या कहता है, न्यू कन्वेंशन के अकॉर्डिंग एसटीपी क्या है, न्यू कन्वेंशन के अकॉर्डिंग जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर है वो तो 0 डिग्री सेल्सियस ही है, इसको चेंज नहीं किया गया है, लेकिन प्रेशर को माना गया है 1 bar। स्टैंडर्ड प्रेशर क्या माना गया है, 1 bar। अब ए है क्या सर, क्या 180 और 1 bar में फ़र्क है, ना के बराबर फ़र्क है, ना के बराबर फ़र्क है। कितना ना के बराबर सर, अभी बता देते हैं कितना ना के बराबर। तो ओल्ड कन्वेंशन 0 180 एम, न्यू कन्वेंशन 0 1 bar, ठीक है। ये न्यू कन्वेंशन बोलता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस, स्टैंडर्ड प्रेशर 1 bar, ठीक है ना। प्रेशर तो हमेशा ही स्टैंडर्ड ही रहेगा, टेम्परेचर गैसेस के लिए हमेशा स्टैंडर्ड ही रहेगा, लेकिन सॉल्यूशन के लिए स्टैंडर्ड टेम्परेचर चेंज हो जाता है, वो हम वहाँ डिस्कस करेंगे। थोड़ा 180 एम और 1 bar में क्या फ़र्क होता है वो हम आपको क्लियर कर दें, ठीक है। 180 एम एंड 1 bar में क्या फ़र्क होता है, तो देखिए
आपका वन वार इक्वल होता है आपका, वन वार इक्वल होता है आपका 10 की पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये वन वार की वैल्यू है आपकी, वन वार इक्वल कितना 10 की पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, ये आपकी वन वार की वैल्यू है आपकी। अच्छा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को और क्या कह सकते हैं? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ही क्या कहलाता है? पास्कल। देखो भूल गए ना आप लोग, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर किसकी यूनिट है? पास्कल। पास्कल किसकी यूनिट है? प्रेशर की यूनिट है। नोट करो थोड़ा, हम यहाँ पर एक बार इसको रिमेम्बर कर लें। वन बार मतलब 10 की। अपने रिवाइज करो एक मिनट के लिए, जो अभी हमने लिखा है उस सबको पढ़ो। हम थोड़ा इसको एक बार कॉन्सेप्चुअली करेक्ट कर लें, फिर बताते हैं आपको। ठीक है, चलो अब यहाँ देखो, देखिए यहाँ पर ध्यान से, वन बार मतलब कितना होता है 10 की पावर 5 पास्कल, और 1 ATM इक्वल होता है 1.01 10 की पावर 5 पास्कल। थोड़ा सा यहाँ पर देखो आप, थोड़ा सा यहाँ पर ये वैल्यू क्या आ रही है, हल्की सी ज़्यादा आ रही है। ये कितना है 1.01, और ये कितना है 1 × 10 की पावर 5, यही है ना, ये 1 × 10 की पावर 5 है सिद्धार्थ, दिख रहा है 1, दिख रहा है ना, समझ में आ रहा है ना, 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्या, इतने ही आ जाएगा। तो 1 बार की वैल्यू कितनी होती है 10 की पावर 5 पास्कल, ये ध्यान रखनी है आपको, और 1 ATM की वैल्यू कितनी होती है 1.01। तो फ़र्क कितना है, बहुत ही माइनर फर्क है, 1.01 10 की पावर 5 पास्कल, ये 1 ATM और ये 1 बार की हमने आपको वैल्यू लिखवाई है। हालांकि अब आपको स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर याद होना चाहिए, नोट करो इसको, करो फास्ट नोट, आगे चलते हैं फिर। देखिए आपका जब सिलेबस डिक्रीज हुआ है उसके अकॉर्डिंग हम पढ़ाई नहीं करा रहे हैं, हम आपको टोटल 11th की पढ़ाई करा रहे हैं, टोटल से भी ज़्यादा पढ़ाई करा रहे हैं, ध्यान रखिएगा। इसका एक ही रीज़न है कि अगर आपकी 11th वीक रह गई तो फिर आपका सब भी, हाँ नहीं कर रहे हैं, हाँ तो अच्छी बात है बेटा, ये तो अच्छी बात है, लेकिन अभी नया सिलेबस जब आ जाएगा ना उसके अकॉर्डिंग फिर स्कूल में उसी की पढ़ाई होगी, नहीं तो वो सही बात है सिद्धार्थ कर रहे हैं, लेकिन हम आपको जो 11th का है उससे भी थोड़ा सा ज़्यादा बताने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे आपकी आगे की चीज़ें क्लियर हो जाए। रब कर दें वैसे, चलिए अब हम आप लोगों से कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन पूछेंगे, देखिएगा आप लोग बता पाते हैं कि नहीं, पहले तो अपने लॉजिकली पॉइंट ऑफ व्यू से बताइएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा, एक्सरसाइज है यहाँ पर, ठीक है। हमने बोला 1 मोल O2 का मोलर वॉल्यूम बताओ, 1 मोल O2 का मोलर वॉल्यूम बताओ 25 लीटर, ठीक है ना। और हमने कहा कि 1 मोल O2 में O2 मॉलिक्यूल बताओ, O2 मॉलिक्यूल्स बताओ, O2 मॉलिक्यूल्स बताओ कितना होगा 6.022 × 10 की पावर 23 O2 मॉलिक्यूल्स। अब इस रिलेशन को समझने की कोशिश करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, आपसे कोई पूछ ले 6.022 × 10 की पावर 23 O2 मॉलिक्यूल्स कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे,
ये बात समझना, चीज़ों को अलग तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं। पूछा तो हमने वही है ना कि वन मोल O2 कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाइड करेगी, पूछा वही है, लेकिन इनडायरेक्टली पूछा। हम पूछें कि आपकी O2 मॉलिक्यूल जो 6.0223 आपके O2 मॉलिक्यूल्स हैं वो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे, 22 पॉइंट। इसका मतलब हम इनडायरेक्टली ये पूछ रहे थे कि वन मोल O2 मॉलिक्यूल्स कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाइड करेंगे, 22.4 लीटर। हम आपसे अब अगर ऐसे पूछ देते कि 22.4 लीटर O2 में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, आ रही बात समझ में, क्वेश्चन कहीं से भी पकड़ के आ सकता है अब। या फिर हम इतना पूछ लेते आपसे कि वन मोल O2 में कितने मॉलिक्यूल्स है और इतने मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम क्या होगा, 22.4 लीटर। स्वाती समझ में आई बात, ये वाली वन मोल O2 और किसी भी गैस का वॉल्यूम जो होगा, अब आपको अज्यूम करके चलना है कि सब कुछ STP पे चल रहा है, लिखा हो या नहीं लिखा हो ऑटोमेटिक STP कंसीडर करना है। वन मोल O2 का वॉल्यूम कितना होगा, वॉल्यूम की बात करें 22.4, कोई भी गैस अगर वन मोल हो गई कितना वॉल्यूम, और वन मोल O2 में O2 के मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, 0.22। तो ये सब चीज़ें आपस में इक्वल है ना, तो कोई वन मोल O2 में O2 के मॉलिक्यूल्स पूछ ले, इतना 6.0223 देखना है पूछ क्या रहा है। अगर वो वन मोल O2 का वॉल्यूम पूछ ले 20, अगर वो पूछ ले कि 22.4 लीटर O2 मतलब कितने मोल, वन मोल, अगर वो पूछ ले 22.4 लीटर में O2 के कितने मॉलिक्यूल्स, बात समझ में आ रही है। चलिए देखते हैं, अब दिमाग खोल के रखिएगा, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं कितना बनता है, ठीक है। जिससे पूछे वही बताए, बाकी अपने दिमाग में कैलकुलेट करें। चलिए ये कुछ एक्सरसाइज दे रहे हैं, करके दिखाइए, ठीक है ना। वन मोल यहाँ कुछ लिखेंगे हम नीचे, यहाँ उसमें उसके मोलर वॉल्यूम लिखने हैं यहाँ पर, हाँ तो पूछ लिया करो ना, तुरंत टोका करो कि सर हमें एक बार समझा दो, ठीक है। यहाँ वन मोल लिख दिया तो हम बार बार नीचे नहीं लिखेंगे, आंसर लिखो सबकी जल्दी से। O3 का मतलब होता है ओजोन, जिसको नहीं पता हो तो O3 मीन्स ओजोन, ओजोन हाँ ओजोन लेयर बेटा, ओजोन लेयर, ये ओजोन का फॉर्मूला होता है। इतनी करो फास्ट स्पीड से सॉल्व, एक मिनट से ज़्यादा नहीं देंगे, बच्चों जैसा क्वेश्चन है। हो गया, वेरी गुड, हो गया साथी, वेरी गुड। आपको तो साथी समझ में नहीं आया, इतना फास्ट कर लिया आपने, अच्छी बात है, अच्छी बात है। सिद्धार्थ ने अपनाया शॉर्टकट 22.4 और फिर नीचे सीधे लंबी रेखा। बेटा कान के नीचे घलेगा अगर मॉलिक्यूल्स गलत किए तो, हो गया महक। देखो अब कितने एटम्स है, चलिए करते हैं। अगर कोई भी गैस वन मोल होगी तो उसका मोलर वॉल्यूम कितना आएगा, 22.4 लीटर। अगर कोई भी चीज़ वन मोल हो गई है ना, तो इसमें मॉलिक्यूल्स पूछे हैं है ना, तो सबका आंसर कितना आने वाला है, 6.0 22 10 की पावर 23
O2 मॉलिक्यूल्स, 23 ओजोन मॉलिक्यूल्स, 23 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स, 23 N2 मॉलिक्यूल, 23 हीलियम मॉलिक्यूल। ध्यान रखिएगा हीलियम का एटॉमिक फॉर्मूला भी सेम होता है और मॉलिकुलर फॉर्मूला भी सेम, इनर्ट गैसेस का इन दोनों का एटॉमिक और मॉलिकुलर फॉर्मूला यही रिप्रेजेंटेशन होता है, ठीक है ना। आप देख लें कितने एटम्स हैं तो क्या आ जाएगा 2 × 6.0 टू 10^23। इस वाले में कितने आ जाएंगे 3। आ गई ना बात समझ में, थोड़ा थोड़ा आ रहा है, कोई कैलकुलेशन नहीं किया अभी हमने, कोई हमने फॉर्म सीधे आंसर आ रहे हैं। इसमें कितने 3 × 6.0 2 × 3 लिख सकते हैं ना, सॉल्व तो कर ही लोगे आप लोग 3 Na और H2 में अप टू 2 Na। रात समझ में आ रहा है, चलो ठीक है 2 Na और इसका बिल्कुल सेम रहेगा है ना 1 Na और इसका भी 1 Na है ना, हीलियम का लिख देते हैं हम चाहे, ठीक है ना। इसको 1 Na भी तो लिख सकते थे ना हम, है ना 1 Na भी लिख सकते थे, तो इसका मॉलिक्यूल्स भी 1 Na होंगे और ये भी 1 Na ही होंगे हीलियम के, ध्यान रखिएगा क्योंकि एटॉमिक और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इसका सेम होता है। समझ में आ गया ना अभी, क्लियर, चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है। अब हम एक फॉर्मूला लिखवा देते हैं और बस 2-3 मिनट के अंदर छोड़ते हैं आप लोगों को, मोल के 10 मिनट बचे हैं 8 बजने में, पूरा मोल कॉन्सेप्ट 3 फॉर्मूले से क्लियर हो जाता है, मोल का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना हो, हालांकि अब छुटपुट क्वेश्चन हो गए तो वो तो आप देख के सॉल्व कर दोगे, लेकिन अगर हैवी क्वेश्चन आ गया तो वहाँ पर फॉर्मूले की सहारा ही हमें लेना पड़ेगा। फॉर्मूले पहले हम लिखवा दें मोल कॉन्सेप्ट के, आपके 3 फॉर्मूले हैं, ठीक है। देखो कैसे बनाइए फॉर्मूले वो भी देख लो, है ना, हम बताते हैं आपको तीनों फॉर्मूले, और ये तीनों फॉर्मूले आपको याद करना है। फॉर्मूला लिखना है आपको फॉर मोल कैलकुलेशन, फॉर मोल कैलकुलेशन। आपसे मोल नहीं, कहीं से भी कुछ पूछ सकते हैं, एक क्वेश्चन का आंसर दो हमें सृजल, जैसे हम पूछ लें कि 6.02 × 10^23 H2 मॉलिक्यूल्स हैं तो इसका मतलब कितने मोल, फिर से सुनो 6.02 × 10^23 H2 मॉलिक्यूल्स हैं तो इसका मतलब कितना मोल, आंसर सबको पता है कितना 1 मोल, कोई भी चीज़ अगर इतनी होगी तो उसका मतलब क्या 1। अब देखो यहाँ पर फॉर्मूला फॉर मोल कैलकुलेशन, अच्छा एक चीज़ बताओ ध्यान से देखते हैं, थोड़ा आप लोग बता पाते नहीं है, 1 मोल वाटर मतलब कितना, 2 मोल मतलब 36 ग्राम, और अगर हम आपसे पूछ ले 72 ग्राम इक्वल कितने वाटर मॉलिक्यूल्स, 18 ग्राम, 18 ग्राम मतलब 1 वाटर, 36 मतलब 2 वाटर और 72 ग्राम मतलब कितना 4 वाटर मॉलिक्यूल, कितना, क्या कर रहे हैं हम ध्यान से देखो क्या कर रहे हैं, गिवन मास को किससे डिवाइड कर रहे हैं, मोलर मास से, गिवन मास जो हमें मास दिया गया है उसको किससे डिवाइड कर रहे हैं, मोलर मास, कैसे बताओ, हमने कहा 180 ग्राम वाटर है, जल्दी से बताना 180 ग्राम वाटर है तो कितने वाटर मॉलिक्यूल, 10, पता चल गया ना, गिवन मास को किससे डिवाइड किया, मोलर मास से, तो पहला मोल का फॉर्मूला ध्यान रखना है, मोल का सिंबल है, पहला मोल का फॉर्मूला है कि आपको मोल निकालने हो तो आप क्या करोगे, जो मास आपको गिवन मास और मोलर मास समझते हो ना, जैसे हमने लिखा 10 ग्राम CO2 तो ये क्या हुआ गिवन मास, और यहाँ से क्या निकल आएगा मोलर मास, तो आपको ध्यान रखना है पहला फॉर्मूला है गिवन मास, और ये सब बराबर में रहेंगे तीनों फॉर्मूले बिल्कुल रटे होने चाहिए, गिवन मास इक्वल मोलर मास, ये पहला फॉर्मूला, ठीक है, गिवन मास इक्वल मोलर मास, सॉरी डिवाइडेड बाय मोलर मास, गिवन मास। नेक्स्ट बताओ 22.4 लीटर मतलब कितना मोल, 1 मोल, 44.8 लीटर कितना मोल,
टू मोल। हम पूछ ले आपसे 6 6 12 लीटर मतलब कितना मोल। अब आप हमें कैसे निकाल रहे हैं, जो गिवन वॉल्यूम है उसको किससे डिवाइड कर रहे हैं, मोलर वॉल्यूम से, ऐसे ही कर रहे हैं ना। तो दूसरा फॉर्मूला बन गया आपका मोल का, गिवन वॉल्यूम, गिवन वॉल्यूम, गिवन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम। मोलर वॉल्यूम जानते हो क्या, 22.4 लीटर। और ध्यान रखना ये पूरा कैलकुलेशन जाएगा एट एसटीपी पे, एसटीपी बोला जाए या नहीं बोला जाए। संदीप आ रहा है समझ में? चलो, गिवन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम, गिवन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम 20, और ये पूरा कैलकुलेशन एसटीपी पे जाएगा, ध्यान रखिएगा। अब इस पे तो एसटीपी लिखने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि पहले ही से पता है एसटीपी पे है ना। चलो एक लास्ट फार्मूला, एक लास्ट फार्मूला बताओ थोड़ा। 6.022 10^23 पार्टिकल मतलब कितने मोल, 1 मोल। 12 × 044 × 10^23 मतलब कितना मोल, किससे डिवाइड कर रहे हो, गिवन पार्टिकल्स को किससे डिवाइड कर रहे हो, एन ए नंबर से। एन ए मतलब कौन सा नंबर, एवोगैड्रो नंबर। तो सेकेंड थर्ड फॉर्मूला बन गया इसका, यही तीन फॉर्मूले होते हैं मोल के, इसके अलावा कोई फॉर्मूले, तो ये हो गया। अच्छा देखो, आप बिना फॉर्मूले के भी कैलकुलेट कर पा रहे थे, लेकिन छोटे मोटे क्वेश्चन, बड़े के लिए जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ होगा गिवन पार्टिकल्स, अब पार्टिकल्स क्या हो सकते हैं, कुछ भी, एटम, आयंस, मॉलिक्यूल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स, कुछ भी हो सकते हैं पार्टिकल्स। ध्यान रखिए, गिवन पार्टिकल्स, गिवन पार्टिकल्स डिवाइडेड बाई मोल से, एन ए नंबर से डिवाइड करना है, जानते हो क्या, 6.022 10^23 जी हो गया आपका मोल। और यहाँ गिवन मास लिखना था ना, इसको मास नहीं लिखा, लिख लिया था आप लोगों ने मास, यहाँ पर गिवन मास था ना, गिवन मास मोलर मास, गिवन वॉल्यूम मोलर वॉल्यूम, गिवन पार्टिकल्स। थोड़ा सा हम आपके लिए एक चीज़ क्लियर कर दें, ये गिवन पार्टिकल्स का मतलब है वो एटम्स भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं पार्टिकल्स, कुछ भी मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, आयंस हो सकते, कुछ भी हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, प्रोटॉन्स हो सकते हैं, न्यूट्रॉन्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, ये ध्यान रखना है आपको, गिवन पार्टिकल्स है ना। तो अब हम इसका एक छोटा सा फॉर्मूला बना देते हैं, इतना बड़ा नहीं, ठीक है ना। तो हमारा मोल मतलब क्या, जो मास दिया होगा डिवाइडेड बाय मोलर मास, पहला फॉर्मूला ये बन गया। दूसरा, जो वॉल्यूम दिया होगा डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम। तीसरा क्या, जो हमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिए गए होंगे डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर, ये बन गए हमारे फॉर्मूले, ये बन गए हमारे फॉर्मूले। मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, गिवन मास, वॉल्यूम डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम, नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर, ये बन गए हमारे मोल के फॉर्मूले। रेडी फॉर टुमारो, वी विल सॉल्व लॉट्स ऑफ द क्वेश्चन रिलेटेड टू मोल कॉन्सेप्ट। हम बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो मोल कॉन्सेप्ट से, आपका सिर्फ इतना सा काम है।